अयोध्या में बनने जा रहे भव्य राम मंदिर निर्माण के धन संग्रह अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज मुरादाबाद के रामलीला मैदान से बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शहर के मुख्य मार्गों से एक बाइक रैली निकाली। देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा दिए गए निर्णय के बाद पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन किया जा चुका है। राम मंदिर को जन जन से जोड़ने के लिए देश भर में जन जागरण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुरादाबाद के लाइन पर स्थित रामलीला मैदान पर भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बजरंग दल से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी भी मौजूद थे। वहां पर जन जागरण अभियान की शुरुआत करते हुए कार्यकर्ताओं ने एक विशाल बाइक रैली आरंभ की। इस रैली में सभी कार्यकर्ताओं के हाथों में भगवा ध्वजा थी। ये बाइक रैली लाइन पार्क से शुरू होकर चौधरी चरण सिंह चौक, दिल्ली रोड से ताड़ीखाना, गुरहट्टी सहित शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई लाजपत नगर जाकर संपन्न हुई। इस बाइक रैली की शुरुआत में विश्व हिंदू परिषद प्रांत मंत्री डॉक्टर राजकुमार गुप्ता ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। ये रैली राम मंदिर निर्माण निधि समिति के विषय पर हिंदू समाज को जागृत करने के लिए हमारे बजरंग दल के चीते, बजरंग दल के कार्यकर्ता, आप देखिए किस मौसम के अंदर कितनी हजारों मोटरसाइकिलें के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। और ये बताता है जब राम जी की सेना चली तो यही वो बजरंगी हैं। ये आज उस समय उस रूप में थे, आज इस रूप में है। और ये हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो राम मंदिर का निर्माण के लिए 490 साल के अंदर लगभग 4,75,000 लोगों ने अपना जीवन दिया और हम लोग आज भव्य मंदिर का निर्माण होते हुए देख रहे हैं। क्या संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है इतनी बड़ी तादाद में, इतने बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए? ये इसके पीछे सबसे बड़ा एक संदेश है कि राम मंदिर का निर्माण के साथ साथ राष्ट्र निर्माण की आधारशिला रखी जा रही है। और ये आधारशिला सन 1925 के अंदर डॉक्टर हेडगेवार ने एक सपना देखा था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र होगा, हिंदू राष्ट्र रहेगा। वही हमारा सपना है। मेरा तो इससे थोड़ा सा और आगे है, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा डॉक्टर हूँ कि भगवान राम अकेले भारत के राजा नहीं थे। 1400 साल पहले इस्लाम नाम की चीज़ धरती पर नहीं थी, 2000 साल पहले ईसाई नाम की चीज़ नहीं थी, और हमारी तो 5000 साल पुरानी सभ्यता है। और एक दिन राजा राम बनेंगे, पूरा विश्व राजा राम को मानेगा और भारत के अंदर राम राज्य की स्थापना होगी और वो पूरे विश्व के अंदर होगी। अच्छा, क्योंकि आप भी एक डॉक्टर हैं, इससे हटके एक सवाल है, कोरोना को देखते हुए क्या क्या व्यवस्थाएं आपके द्वारा की गई हैं या इन चीजों को देखते हुए? व्यवस्थाएं सब लोग अपने इस समय आपके सामने बाइक दे रहे हैं, मास्क लगाए हुए, थोड़ा हटा दिया कार्यकर्ताओं ने, सब व्यवस्थित रूप से चल रहा है।